इस वीडियो में हम पता लगाएंगे कि अगर बहुत सारे सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया जाए और उन सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन को अगर एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाए तो उसमें करंट कितना फ्लो होगा उस सर्किट में। तो इसके लिए हमारे पास जो गिवन डेटा है वो ये है कि नंबर ऑफ सेल्स अर्थात कितने बैटरीज हैं, ये नंबर है एन, और हर एक सेल का जो ईएमएफ है ये है ई। तो हर एक सेल का ईएमएफ है ई, और ऐसे कितने सेल्स हैं, ऐसे एन सेल्स हैं, और हर एक बैटरी का या फिर हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है आर। तो हर एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ये है स्मॉल लेटर आर, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये है कैपिटल लेटर आर। मैं आगे से इस कैपिटल लेटर आर को आर कहूंगा और इस स्मॉल लेटर आर को स्मॉल लेटर आर ही कहूंगा। हमें पता लगाना है करंट इस सर्किट से कितना फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन होगा कुछ ऐसा जो कि इस रेजिस्टेंस से भी पार होगा और वो इस सर्किट से वापस इन सेल्स से भी पार होगा, सेम करंट। चूंकि हर एक सेल से बराबर करंट फ्लो कर रहा है इसीलिए हम कहते हैं ये सारे सेल्स ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं। तो हम पता लगाने वाला है करंट। तो जैसे कि हमें पता है कि करंट होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस प्लस इंटरनल रेजिस्टेंस। जब एक सेल एक्सटर्नल सर्किट के साथ जुड़ा हुआ होता है, यहां पर देखें बहुत सारे सेल्स जुड़े हुए हैं, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सारे सेल्स का टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस पता करना है। अर्थात ये सारे सेल्स मिलके जो एक इक्विवेलेंट सेल बनाएगा उस सेल का टोटल ईएमएफ और टोटल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ये हम पता लगाएंगे। क्योंकि नंबर ऑफ सेल्स ये है n, तो टोटल ईएमएफ क्योंकि ये सारे सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं तो ये होगा n इनटू e। कैसे, चलिए देख लेते हैं। हमने माना कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, यहां पर हमने चार पॉइंट्स कंसीडर किया a1 a2 a3 और a4। इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं ये पोटेंशियल डिफरेंसेस हैं v1 v2 और v3। हमने माना a1 से a2 का पोटेंशियल कम है और a2 से a3 का पोटेंशियल कम है और a3 से a4 का पोटेंशियल कम है। तो ऐसे स्थिति में a1 और a4 के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये पोटेंशियल डिफरेंस a1 और a4 के बीच ये होगा v1 प्लस v2 प्लस v3। उसी तरह से इस सिस्टम में देखें जहां n सेल्स जुड़े हुए हैं, क्योंकि हर सेल के दो टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है e, तो जब इन सारे सेल्स को जोड़ दिया गया तो टोटल ईएमएफ, ये टोटल ईएमएफ बन जाएगा n e, टोटल ईएमएफ ये बन गया n इनटू e, क्योंकि e को EMF को अगर हम n टाइम्स जोड़ते हैं, क्योंकि n सेल्स है तो हमें n बार जोड़ना है, तो अगर हम n टाइम्स इन्हें जोड़ते हैं तो हमें मिलेगा NE। अब देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। सो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस, देखें सारे रेजिस्टेंसेस ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हुए हैं, और हमें पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर जुड़े हुए रहे रेजिस्टर्स तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये होता है सारे रेजिस्टेंसेस का एलजेब्रिक एडिशन। अर्थात यहां पर आर, हर एक आर जुड़ जाएगा स्मॉल लेटर आर, और जुड़ के ये बनाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो कि होगा एन आर के बराबर। तो ये हो गया एन इंटू स्मॉल आर। अब इस इक्वेशन से हम कह सकते हैं कि टोटल करंट जो इस सर्किट से फ्लो करेगा वो होगा
टोटल ईएमएफ जो कि इस केस में है एन इंटू ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब देखे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ये है एन आर जो कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, अर्थात टोटल रेजिस्टेंस ये हो गया एन इंटू स्मॉल आर प्लस आर जो कि एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो ये हो गया इस सर्किट में फ्लो किया हुआ करंट का इक्वेशन। अब हम दो स्पेशल केस कंसीडर करेंगे, वो ये है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये काफी छोटा हुआ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो ये रहा हमारा स्पेशल केस वन। इस स्थिति में हम इस कैपिटल लेटर आर को जो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है इसे हम इग्नोर कर सकते हैं। तो यहां करंट का जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा एन इंटू ईएमएफ एक्सएल का डिवाइडेड बाय एन इंटू स्मॉल लेटर आर, अर्थात ये बन जाएगा ई डिवाइडेड बाय आर। अब देखें अगर यही सर्किट जुड़ा हुआ होता सिर्फ एक सेल के साथ जिसका ईएमएफ है ई, तो क्या होता? यही सर्किट अर्थात हमें जोड़ना है रेजिस्टेंस कैपिटल आर को, और चूंकि एक सेल जुड़ा हुआ है तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होगा स्मॉल लेटर आर और इसका ईएमएफ टोटल ईएमएफ होगा ई। तो फिर इस केस में देखे जो करंट फ्लो करेगा ये करंट ये बराबर होगा ईएमएफ टोटल ईएमएफ जो कि ई के बराबर है डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस जो कि होगा स्मॉल लेटर आर प्लस कैपिटल लेटर आर। यहां पर देखें हमने आर को बहुत छोटा कंसीडर किया है, तो हम यहां से इस कैपिटल लेटर आर को अर्थात एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को इग्नोर कर सकते हैं। अर्थात अगर बहुत सारे सेल्स को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़े और उन्हें अगर एक सर्किट के साथ जोड़ दे तो जो करंट फ्लो करता है सर्किट से वो करंट एग्जैक्टली सेम होता है अगर उसी सर्किट को हम सिर्फ एक सेल के साथ जोड़ दे तो। अब हम एक दूसरा केस कंसीडर करेंगे, वो ये है कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ये काफी बड़ा हुआ टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्ट में, तो ऐसे स्थिति में देखे यही इक्वेशन ये बन जाएगा करंट इज इक्वल टू एन इंटू एक सेल का ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर आर अर्थात एक्सटर्नल सर्किट का रेजिस्टेंस। इसे हम इस तरह से भी इंडिकेट कर सकते हैं एन इंटू ई डिवाइडेड बाय आर। अब देखे वही सिचुएशन कंसीडर करें कि वही एक्सटर्नल सर्किट सिर्फ एक बैटरी के साथ या फिर सिर्फ एक सेल के साथ जुड़ा हुआ है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल लेटर आर, तो फिर इस केस में करंट क्या होता? इस केस में जो करंट होता ये करंट होता ई डिवाइडेड बाय, क्योंकि टोटल ईएमएफ ई ही है तो हम लिखेंगे टोटल ईएमएफ ई डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस होगा आर प्लस स्मॉल लेटर आर, जबकि यहां पर हम मान रहे हैं ये आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी बड़ा है, तो यहां पर हम स्मॉल लेटर आर को इग्नोर कर सकते हैं और इक्वेशन बन जाएगा करंट इज इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जब बहुत सारे बैटरीज को या बहुत सारे सेल्स को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ के उसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ जोड़ा जाता है और जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस से काफी काफी बड़ा होता है, उस केस में जो करंट फ्लो करता है वो होता है अगर एक सेल को उसी सर्किट के साथ जोड़ा जाए तो जितना करंट फ्लो करेगा उसी के एन गुना।